भारतीय टीम के युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 208 रनों की पारी खेली। इस दौरा शतक लगाने के दौरान उन्होंने महान सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली को भी पछाड़ दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच में शुभमन गिल ने रिकॉर्ड तोड़ पारी खेली। भारत के लिए ओपनिंग करने उतरे गिल ने 149 गेंद पर 208 रन ठोक डाले। गिल 48वें ओवर के बाद 182 रन पर नाबाद रहे। 49वें ओवर की पहली तीन गेंदों पर लगातार तीन छक्के लगाकर गिल ने अपना दोहरा शतक पूरा किया। इस पारी के दौरान गिल ने 19 चौके और 9 छक्के लगाए। मैच में गिल ने कई बड़े रिकॉर्ड्स बनाए और तोड़े, हम आपको उनके बारे में बताते हैं। सुमन गिल ने वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा और ईशान किशन भारत के लिए वनडे में 200 रनों की पारी खेल चुके हैं। शुभमन गिल वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने ईशान किशन का रिकॉर्ड तोड़ा। ईशान ने पिछले महीने बांग्लादेश के खिलाफ 24 साल और 145 दिन की उम्र में दोहरा शतक लगाया। गिल ने 23 साल और 132 दिन में 200 रन बना दिए। शुभमन गिल ने इस पारी के दौरान महान सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। सचिन ने 1999 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 186 रन बनाए थे। अब गिल न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। शुभमन गिल ने 19 वनडे पारियों में अपना 13वां वनडे शतक लगाया। उन्होंने पिछले ही मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ शतक लगाया था। भारतीय बल्लेबाजों में सिर्फ शिखर धवन ने ही उनसे कम पारियों में 3 वनडे शतक लगाए हैं। धवन ने 17 पारियों में ऐसा किया था। इस पारी के दौरान शुभमन गिल ने वनडे क्रिकेट में अपने 1000 रन पूरे कर लिए। 106 रन बनाने के साथ ही 19 पारियों में गिल ने वनडे में 1000 रन का आंकड़ा छुआ। वह वनडे में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय भी बन गए हैं। कोहली और धवन ने 24-24 पारियों में 1000 रन पूरे किए थे। तो शुभमन गिल ने बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है और इस युवा बल्लेबाज को देखकर आज लगा कि भारतीय टीम में बहुत बड़ी ऊर्जा है। तमाम खबरों के लिए बने रहिए सबसे तेज न्यूज़ के साथ।